हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। हम लोग आ चुके हैं डे 28 में और आज की जो ड्राइंग है ना बहुत ही यूनिक होने वाली, क्योंकि ये एक मिक्स मीडियम ड्राइंग है। और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाए हैं। यहाँ पे आउटलाइन आप यहाँ पे कुछ बना लो ग्रेफाइट पेंसिल से, आपको लेना है 2B पेंसिल। कुछ इस तरीके से क्लॉथ बनाने वाले हैं हम लोग हैंग करके, और इसके साथ साथ 3 फ्रूट बनाने वाले हैं। तो आउटलाइन कुछ इस तरीके से बना लो, बेसिक शेप के थ्रू कैसे बनाना ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ इस तरीके से आपको पहले डिज़ाइन कर लेना है आउटलाइन, और पहला मैंने आपको बताना कि ग्रेफाइट पेंसिल से बना लेना है। इसके बाद हम लोग दोनों पेंसिल का यूज़ करके बनाएंगे। इसमें चारकोल पेंसिल भी यूज़ होने वाला है, ग्रेफाइट भी यूज़ होने वाला है, इसके साथ साथ आपको व्हाइट चारकोल पेंसिल भी यूज़ होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारा कुछ ट्राई करने वाले हैं ब्लेंडिंग के लिए, तो ब्लेंडिंग टूल में बहुत सारे टूल यूज़ होंगे, जैसे आपका पेपर स्टैम्प है, टिश्यू पेपर है, कॉटन है और ईयरबड्स भी है। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोगों ने जितना भी था ना सब कुछ ड्रॉ कर चुके हैं। अब बारी आ जाती है शेडिंग की। तो चारकोल पेंसिल मैंने लिया है कैमलिन का, आप तो वैसे कोई भी ले सकते हो, और इसमें मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल लिया है। और एक एक करके जितने भी शेडो रीजन है ना पहले उसको आपको बनाना है, और जितने भी लाइट एरियाज है ना उसको हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग व्हाइट चारकोल यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये ग्रे पेपर है। यहाँ पे दोनों कर सकते हैं हम लोग शेडिंग, जैसे कि ब्लैक भी कर सकते हैं और वाइट भी कर सकते हैं। बहुत रियलिस्टिक टच आने वाला है यहाँ पे। तो एक एक करके हर जगह से आपको वहाँ पे शेड कर लेना है पहले, जितने भी शेडो एरियाज हैं ना। और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप करते हो ना, जब आप चारकोल पेंसिल यूज़ करते हो ना, तो रिपीटेशन के कारण कभी कभी पेपर अगर कम जीएसएम का हो तो पेपर रफनेस का जो है ना उसका इशू हो सकता है। तो यहाँ पे पहले तो आप जितने भी क्लॉथ का जो शेडो है ना इटसेल्फ, जिसको कहते हैं सेल्फ शेडो, वो आप बना लो। कास्ट शेडो जो फ्लोर पे होगा और आपके वॉल पे होगा ना, वो हम लोग बाद में करने वाले हैं। तो क्लॉथ को सबसे पहले हम लोग जितने भी शेडो एरियाज है ना वहाँ पे हम लोग पहले शेडिंग कर लेंगे। शेडिंग करने के बाद ब्लेंडिंग की बारी आ गई है। ये है पेपर स्टैम्प, आपके पास पेपर स्टैम्प नहीं है तो टिश्यू पेपर को कोन बना के यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ईयरबड्स का भी यूज़ कर सकते हो। और इसको भी कहाँ पे स्प्रेड करना है, क्योंकि आपका दो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से शेड कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू लाइट अभी जो है ना आपको ये देखना है कि क्लॉथ का जो फोल्ड है वो किस तरफ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे ब्लेंड करना है। तो एक एक करके जितने भी फोल्ड्स हैं वहाँ पे हम लोगों ने ब्लेंडिंग कर ली है। इसके बाद बारी आ जाती है वाइट हाईलाइट देने की। तो यहाँ पे हम लोग वाइट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जनरल की चारकोल पेंसिल लिया है, और जितने भी स्पेस छोड़े हैं हम लोग लाइट एरियाज में, मीन्स कि जहाँ पे लाइट हिट कर रही है क्लॉथ पे वहाँ पे, तो यहाँ पे एक और टूल यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है ईयरबड्स। तो ईयरबड्स का भी यूज़ करेंगे हम लोग। अब इतने सारे टूल यूज़ करने का मतलब ये है ना कि जिसके पास जो है इक्विपमेंट उसका यूज़ करे और अपनी ड्राइंग को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। तो पहले हम लोगों ने पेपर स्टैम्प यूज़ किया था, उसकी जगह आप ये भी ईयरबड्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ही सॉफ्टली यूज़ करना। अभी कभी कभी क्या होता है ना कि लोग स्टार्ट करते हैं डार्क एरिया से और स्प्रेड करके लेके जाते हैं लाइट एरियाज में, तो वहाँ पे ऐसा नहीं करना, लाइट से डार्क की तरफ लेके जाना। एक और ब्लेंडिंग टूल इंट्रोड्यूस हो चुका है जिसका नाम है मेकअप ब्रश। मेकअप ब्रश ऑब्जर्व नहीं करता है और ये ना स्प्रेड करता है, अच्छा स्प्रेड करता है और एक अच्छा फिल लाइट क्रिएट करके देता है। इसमें आप लाइट एरियाज में भी स्प्रेड कर सकते हो, बाद में हम लोग अलग से हाईलाइट जरूर देंगे। तो यहाँ पे टॉप का जो वॉल का जो क्लॉथ है वो हो चुका है। अब जो नीचे का जो क्लॉथ है ना तो उसको भी कुछ वैसे ही करने वाले हैं। ये प्लानिंग के साथ अगर आप करोगे तो आपकी ड्रॉइंग बहुत अच्छी होने वाली है। और एक नॉर्मल कहते हैं ना कि इसको ही फॉलो करना चाहिए आपको, कि जितने भी डार्क एरियाज है ना पहले उसको शेड कर लो पेंसिल से बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड, फिर वहाँ पे हम लोग व्हाइट चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। तो और उसके बाद आप ब्लेंड कर लो। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग पूरा क्लॉथ जो है ना ऐसा ही करेंगे। और जितने भी आप फोल्ड्स देख रहे हो ना, तो की एरियाज में स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा ब्राइट होगा, लेकिन जैसे जैसे वो शेडो एरियाज में जाएगा ना तो बिल्कुल ही सॉफ्ट रखना है, जिससे कि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कॉटन यूज़ किया है अभी, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट रखना है मुझे ये क्लॉथ को। तो तीसरा और मीन्स चौथा हम लोगों ने अभी तक यूज़ कर लिया है ब्लेंडिंग टूल। तो सारे जितने भी है सबका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ब्लेंडिंग टूल होते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर लेते हैं हम लोग। दो क्लॉथ फोल्ड होते हैं ना तो वहाँ पे क्या होता है ना कि डार्कनेस ज़्यादा रहती है, डेप्थ ज़्यादा रहता है। तो कुछ इस तरीके से आपको डेप्थ देना है। ये हर जगह स्प्रेड नहीं करना है, ये वैसी जगह पर स्प्रेड करना है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शेडो दिखाना है।
अगर आपको पता नहीं है कि सेल्फ शैडो क्या होता है, कास्ट शैडो क्या होता है, तो आप सर्च कर सकते हो हमारे YouTube चैनल पे, या फिर आई बटन में देख लो, वहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा, उसको जाके आप लोग देख लेना। कुछ इस तरीके से हम लोग जितने भी डार्क शेडो एरियाज है ना, वो वहाँ पे हम लोग इसको शेड कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे पेपर स्टैम्प। पेपर स्टैम्प को बहुत ही अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। पेपर स्टैम्प के भी ग्रेड होते हैं, उसमें मोटे, पतले और मीडियम भी आते हैं। तो वहाँ पे जैसे मान लो कि एकदम क्लोज है, डिटेल करना है ना, तो पतले वाले पेपर स्टैम्प का यूज़ करो, और जितने आपको बड़े स्केल के हैं, मतलब बड़े लार्ज स्पेस के हैं, वहाँ पे आप मोटे वाले जो पेपर स्टैम्प है उसका आप यूज़ कर सकते हो। हाईलाइट देना है हमें, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वापस से वाइट चारकोल पेंसिल। तो यहाँ पे इसे क्या होता है, लेयर में करने पे क्या होता है ना कि डेप्थ अच्छा आता है, इसमें आपको 3D लुक आता है। तो उसमें हाईलाइट एरियाज में भी आपको फिर वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। कई सारे लोग यूज़ करते हैं वाइट जेल पेन, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप वाइट चारकोल पेंसिल यूज़ करो, और यहाँ पे ब्रश के थ्रू सबको एकदम सेटल कर दिया। अब बारी आ जाती है अनदर साइड। अनदर साइड में भी वैसा ही करेंगे, चारकोल पेंसिल से डार्क एरियाज में पहले डार्क कर लेंगे, जितने शेडो बने हैं शेडो भी बना लेंगे हम लोग, और शेडो बनाने के बाद और उसको वापस से पेपर स्टैम्प से हम लोग ब्लेंड कर देंगे। और जितना भी ब्लेंड कर रहे हैं ना, उसमें आपको बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से रखना है। और इसके बाद बारी आ जाती है वाइट चारकोल पेंसिल की, तो हाईलाइट भी हम लोगों ने दे दिया। हाईलाइट देने के बाद यहाँ पे ईयरबड से हम लोग सॉफ्टली उसको ब्लेंड कर लिया। अब बारी आ जाती है फ्रूट की, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं। डिफरेंट ये है ना कि जितने भी की लाइट एरियाज हैं, लाइट जहाँ पे हिट हो रही है, तो पहले हम लोगों ने वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर लिया, तो हाईलाइट हम लोगों ने पहले फिक्स कर लिया। इसके बाद हम लोग शेडो बनाने वाले हैं। वैसे आप चाहें तो पहले की तरह भी कर सकते हैं, क्लॉथ की तरह, लेकिन मैंने बताया ना आपको कि कई सारे लोग पूछेंगे कि पहले अगर किया हाईलाइट और बाद में हम लोग किया शेडो तो क्या होगा, डिफरेंस क्या होगी, तो यही कुछ डिफरेंस होगा। और यहाँ पे ना हम लोगों ने पेपर स्टैम्प यूज़ किया है, तो उसमें पहले से ग्रेफाइट का पार्टिकल लगे हुए हैं, तो उससे ही हम लोग सॉफ्ट शेडो यानी कि पहला लेयर बना लेंगे। अब बारी आ जाती है उसमें थोड़ा डेप्थ देने की, तो जहाँ जहाँ शेडो है और इसमें भी टेक्सचर होता है, तो वो टेक्सचर हम लोग यहाँ पे दे देंगे। जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो कॉन्टैक्ट होता है, उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट शेडो, तो वो हम दे देंगे। और इसके बाद जितने भी टेक्सचर मैंने आपको बताए थे ना हल्के हल्के, तो हल्के हल्के डॉट्स भी आप दे सकते हो वहाँ पे। और टेक्सचर जो होगा ना, आप जब रेफरेंस लोगे, और रेफरेंस जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको जितने भी मटेरियल यूज़ किए हैं उसका भी लिंक मिल जाएगा, और जितने भी रेफरेंस लिए उसके भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से टेक्सचर हम लोगों ने कर लिया, और ये टेक्सचर जो है ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग बनाएंगे, जैसे कि डॉट भी कर दिया, डॉट करने के बाद इसमें वाइट डॉट भी किया, तो दोनों मिक्स करने के बाद उसको हम लोग ब्लेंड कर देंगे मेकअप ब्रश से। तो बिल्कुल ही सॉफ्ट रखना है, ज़्यादा अगर रिपीटेशन करोगे तो फिर क्या होगा कि टेक्सचर जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं करना है, और इसको कुछ इस तरीके से कर लेना। तो पहला टेक्निक हम लोग समझ गए कि फ्रूट पे कैसे करना है, वही टेक्निक हम लोग को दूसरे जितने भी फ्रूट्स हैं ना उस पे ही करना है। तो डार्क एरियाज को पहले डार्क कर लो, पहले वाले में क्या किया था, पहले ब्राइट किया था, तो यहाँ पे वापस अपोजिट कर रहे हैं, और यहाँ पे देने के बाद फिर हम लोग उसको हाईलाइट और डेप्थ जितने भी ना वो हम लोग दे देंगे। तो यहाँ पे थर्ड की भी बारी आ जाती है, थर्ड में भी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ही किया। और यहाँ पे पहले क्या कर सकते हो आप लोग कि जितने भी डार्क एरियाज हैं, जितने भी ब्राइट एरियाज हैं, उसको कवर कर सकते हो, कवर करने के बाद उसमें आप शेड कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले चारकोल यूज़ किया था, तो यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ किया, उसको पूरी तरीके से अच्छे से ब्लेंड कर दिया पेपर स्टैम्प से। अब इसमें जितने भी डार्क एरियाज हैं ना वो हम लोग करेंगे। ये टेक्निक हम लोग पिछले कई सारे ट्यूटोरियल में किया था, और यहाँ पे हम लोग हल्के हल्के सॉफ्ट हैंड से ग्रेफाइट पेंसिल के साथ साथ हम लोग व्हाइट चारकोल पेंसिल भी यूज़ किया है, टेक्सचर भी दिया है, और टेक्सचर को ब्लेंड कर लिया है हम लोगों ने यहाँ पे मेकअप ब्रश से। अब बारी जाती है वॉल की, पहले क्या करना है कि आउटलाइन को कवर कर लेना है, जितने भी क्लॉथ है ना क्लॉथ के आउटलाइन कवर कर लिया, क्योंकि वो जो चारकोल है ना वो स्प्रेड नहीं होना चाहिए वापस से अपने क्लॉथ पे। तो ये स्प्रेड कर लेने के बाद शेड करेंगे, एक ही वे में आपको शेड करना है, जिससे आपकी ब्लेंडिंग करेंगे तो इजी रहेगा। तो यहाँ पे दूसरे साइड वॉल को भी वैसा ही करेंगे, और ये जो टेक्निक है ना इसमें क्या करना होता है कि बिल्कुल ही सॉफ्ट रखना पड़ता है अपने हैंड को। जहाँ पे क्लॉथ है वहाँ पे शेडो रहेगी, तो वहाँ पे रिपीटेशन ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आगे की तरफ जाएगा उसको हम लोग बिल्कुल ही सॉफ्ट करते जाएंगे। और यहाँ पे मेकअप ब्रश से हम लोग ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करते हुए आपको राइट साइड में लेके जाना है। और यहाँ पे सिर्फ यही नहीं करेंगे, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं पाउडर भी। आपके पास ग्रेफाइट पाउडर है या फिर आपके पास चारकोल पाउडर है,
तो उससे भी आप कर सकते हो यहाँ पे। कैसे करना है आपको, पहले तो आपको या तो आप स्प्रेड कर दो उसको, स्प्रेड करके आगे की तरफ लेके जाओ बिल्कुल ही अच्छी तरीके से। अगर ये आपका वॉल साइड है तो बड़े ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ईजी हो जाता है, मतलब जल्दी हो जाता है। तो दोनों तरफ से हम लोगों ने कर लिया, और नीचे की तरफ भी कुछ इस तरीके से ही करने वाले। पहले नीचे में क्या करेंगे कि पहले बाउंड्री बना लेंगे, बाउंड्री बनाने के बाद इसको आपको शेड कर लेना है। इसको शेड करेंगे और कोशिश करना कि आप बिल्कुल ही गैप नहीं रखना, वाइट जैसा लाइन नहीं दिखना चाहिए। वैसे देखा जाए तो वॉल पे टेक्सचर भी बहुत होते हैं, तो कुछ इस तरीके से भी लाइन के थ्रू आपको पूरा शेड कर लेना है, और इसको हम लोग वापस से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो मेकअप ब्रश। तो मेकअप ब्रश को अच्छी तरीके से रिपीटेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ पे डार्कनेस देना है आपको। नीचे का जो वॉल है ऊपर के कंपेयर में नीचे ज़्यादा डार्क रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे शेडो रीजन ज़्यादा है। और इस तरीके से आप पूरी तरीके से स्प्रेड कर सकते हो, और ऊपर के एरिया को भी आप चाहो तो नीचे की तरफ पूरा स्प्रेड करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे फोकस पूरी तरीके से आ चुका है, ये एक फास्ट वर्जन है। स्लो वर्जन चाहिए तो इसके बाद एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को ज़रूर देखना। YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे डे वन वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है। उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोस को।